हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं फिर लेकर आई हूं आपके सामने एंशियंट हिस्ट्री का ऑडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग आज करेंगे पार्ट 5 जैन धर्म के बारे में। ये जो हम लेक्चर करेंगे, ये हर एक जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो SSC का हो, NVS का हो, KVS का हो, या फिर लोअर PCS हो, अपर PCS हो, सबके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम फैक्ट्स के साथ साथ जो बेसिक नॉलेज है, उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो एग्ज़ाम में हमारे आ चुके हैं। तो आज हम इसका पार्ट 5 करेंगे जैन धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म के ऊपर हम आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जैन धर्म पार्ट 5। सबसे पहले हम इसके बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या थी। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर, वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था, और इन्होंने जो जो शिक्षाएँ दी थी वो है, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम, जो कि वैशाली में था, वहां हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, उनकी पुत्री का नाम अनुंजना प्रियदर्शनी था। महावीर के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक वृक्ष के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय महावीर जिन, जिसे विजेता कहते हैं, अहर्त, जिसे पूज्य कहा जाता है, और निर्ग्रंथ, जिसे बंधनहीन कहा जाता है, कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं, उसमें दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे प्रियदर्शनी के पति, जो कि जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर रखा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा था, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। ये पूरी एक स्टोरी बनी थी इसके ऊपर। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया था। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना आवश्यक है। वो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, वो हैं अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा को भी नहीं माना जाता। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया था।
खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही लिया जाता है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में दी गई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, मतलब मृत्यु को उन्होंने निर्वाण भी कहा है, 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी, जिसे राजगीर कहते हैं, में हो गई थी। मल्लराज सुस्तीपाल के राजप्रसाद में, मतलब उनके महल में, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये थी इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, मतलब जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड। द्वितीय है अजीतनाथ, इनका प्रताप सिंह, ये जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। तृतीय है संभव, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सप्तम है स्पार्श्व, जिसका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। सोलहवें जैन तीर्थकर हैं शांति, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण। 21वें है नामी, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें है अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें है पार्श्व, जिसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें जो कि हमारे महावीर स्वामी है, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब दो जैन तीर्थ को, जैसे जो कि है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी कहा गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जैन संगतियाँ कितनी हुई, कहाँ कहाँ हुई, कब हुई, तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। दो जैन संगतियाँ हुई थी। प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में, ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें से बन जाते हैं। सेकंड जैन जो संगति है वो हुई थी छठी शताब्दी में हुई थी, जो कि बल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्रमा श्रवण। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी जैन धर्म के बारे में। अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि UPSC मेन 2010 का क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक, तो हमने अभी देखा था जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर, ये भी छत्तीसगढ़ PSC 2013 का क्वेश्चन, तो ये भी है ऋषभदेव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, ये UPSC मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें ये बनारस से संबंधित थे, और जिसमें से संबंधित नहीं है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कौशाम्बी गिरिब्रज और चंपा से ये संबंधित नहीं थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था कुंडग्राम में, सॉरी कहाँ हुआ था क्वेश्चन है, तो ये हुआ था कुंडग्राम में, ये बिहार PSC 1997, 2005 और 2011 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है, तो कुंडलपुर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, इसको कुंडग्राम भी कहते हैं, कुंडलपुर भी कहते हैं, अलग 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 व्याख्या दी गई है अलग अलग जगह। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो इनकी हुई थी पावापुरी में। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये UPSC 1993 का क्वेश्चन है। जैन तीर्थकरों में सबसे अंतिम कौन था, तो अंतिम थे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, IAS 1993 का क्वेश्चन है। कौन इनमें से जैन तीर्थकर नहीं है, तो आपको ऑलमोस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद होने चाहिए। तो चंद प्रभु जैन तीर्थकर हैं, नेमी जैन तीर्थकर हैं, संभव जैन तीर्थकर हैं, और नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं है। ये UPSC मीन्स 2004 का क्वेश्चन है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन सा है, तो प्रभासगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो उनके लिए शब्द है कैवल्य, पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द। त्रिरत्न सिद्धांत
सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा गाता है, तो हमने भी बात की थी, तो वो जैन धर्म की महिमा गाता है। ये UPSC 2004 का क्वेश्चन है। अनुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था, ये कौन से धर्म में किया गया था? तो जैन धर्म में किया गया था। IS 1995 का क्वेश्चन है। स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित, ये उत्तराखंड PCS 2005 का क्वेश्चन है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये जैन धर्म ने कहा है कि सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये IS 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकवांत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका क्रोट सिद्धांत है? तो ये भी हम लोग देख चुके थे, जैन धर्म का सिद्धांत है। ये IS 2009 और झारखंड PSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता? तो जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं रखता है। UPSC 2014 का क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो वो है अहिंसा। UPSC 1993 का क्वेश्चन, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ये भी UPSC 2010 का क्वेश्चन। इसमें से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? इसमें तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। ये बिहार PSC 1995 का क्वेश्चन। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? ये भी हमने देख लिया था, ये लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में, जो कि मैंने आपको बताया था। UPSC 2006 का क्वेश्चन, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है सम्मेद शिखर, इसे माना जाता है पार्श्वनाथ से संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र। UPPSC 2002 और UP लोअर सबॉर्डिनेट 2002 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये थेरी गाथा है, जो जैन साहित्य का भाग नहीं है। और आचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग, बृहत्कल्प सूत्र जैन साहित्य का भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूल भद्र, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन सा था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जामिल, जो कि इनके दामाद थे, इसके बारे में भी हमने देखा था। ये बिहार PSC 2005 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी, ये भी वही UPPSC 2009 का क्वेश्चन, जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबरों का आगम का संपादन हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। UPPSC 2008 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें सही कथन बताना है कि कौन सा सही है जैन धर्म के संबंध में। तो मैं आपको सही कथन बता देती हूँ, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि इसमें सही कथन हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या कही जाती है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये जैन धर्म का सिद्धांत था, और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये तीनों जो कथन है ये जैन धर्म के समर्थक हैं, अनुरूप है मीन्स। ये IS 2013 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण, इसको संलेखना भी कहते हैं, जो कि करंट्स में बहुत पॉपुलर था कुछ समय पहले। तो ये छत्तीसगढ़ PSC 2015 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक, तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखल्ली गोसाल, जो कि महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेदों के चलते इन्होंने अपने एक स्वतंत्र संप्रदाय आजीविक संप्रदाय की रचना की। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये आजीविकों ने कहा था। ये UPPSC 2006 का क्वेश्चन। ऐसा संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन देखा, ये आजीविक संप्रदाय है। ये राजस्थान PSC 2013 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया था आश्रय गृह के रूप में, ये मौर्य युग में किया गया था। BRPSC 1995 का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तो तीर्थ स्थली है वो कौन सी है? तो वो है कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के निकट है जो कि कौसम नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें से कौन सा कथन सही है हमें बताना है, तो सही है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए थे और होयसालेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ये IS 2002 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो इसको अभी हमने बेसिक्स में देखा था, चामुंड राय ने की थी इसकी प्रतिमा की स्थापना। माहम धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक किससे संबंधित है या किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है और यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर की बाहुबली की जो मूर्ति है वो 18 मीटर ऊंची स्थापित है और 2006 में मस्ताभिषेक हो चुका है और 2018 में लास्ट हुआ था अभी। तो आज का यही हमारा ऑडियो लेक्चर ख़त्म होता है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स के आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलती हूँ आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।